समय मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में। करनाल के सदर बाजार इलाके की इंदिरा कॉलोनी में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया, जिसके बाद आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। पूरे इलाके की स्क्रीनिंग की जा रही है और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के सदर बाजार इलाके की इंदिरा कॉलोनी में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। सीधा वह हॉस्पिटल गया, जिसके बाद टेस्ट कराया गया और आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद आप इस समय देख सकते हैं डॉक्टर्स की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। पूरा स्टाफ मौके पर है, आसपास के इलाके की स्क्रीनिंग की जा रही है। उम्र अंदाजन 40 साल बताई जा रही है और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स की टीमें हैं, महिला वर्कर्स हैं, सभी मौके पर हैं और किस तरह से थर्मामीटर हाथ में है और किस तरह से पूरे इलाके की स्क्रीनिंग की जाएगी और इस इलाके को कैंटोनमेंट जोन जो है घोषित किया जाएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस समय तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। हम आपको बताना चाहेंगे करनाल में कुल 9 एक्टिव केसेस इस समय हो गए हैं और 20 केसेस टोटल हो चुके हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं एक और मामला सामने आता है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। दिल्ली से वह आया था और किस तरह से आप देख सकते हैं लॉकडाउन से पहले ही वह अपने ससुराल में जो है फंस गया था, जिसके बाद जब वह आया उसने आते ही टेस्ट कराया और किस तरह से कोरोना पॉजिटिव जो है उसकी रिपोर्ट आई। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के सदर बाजार इलाके इंदिरा कॉलोनी का इलाका, जहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है। और हमारी अपील आप सभी से है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और बार बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपसे अपील करता है कि खतरा अभी टला नहीं है तो कोशिश कीजिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाइए। रूटीन में देखा जाता है कि महिलाएं बच्चों को लेकर बाजार में भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा रही हैं, तो कोशिश कीजिए, गुरेज कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता बाजार में कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके घर में किसी बच्चे को या महिला को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे घर के लोगों को क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, पूरे इलाके को सील करना पड़ेगा। तो इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और तमाम डॉक्टर्स की टीमें, तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं टेस्ट किए जा रहे हैं सभी के, स्क्रीनिंग की जा रही है, पुलिस की टीमों को मौके पर बुला लिया गया है ताकि इस इलाके को क्वारंटाइन किया जा सके, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा इस इलाके को 28 दिनों के लिए। और इस समय आप देख सकते हैं उस शख्स की हिस्ट्री पता करते हुए नजर आ रहे हैं जो दिल्ली से आया था और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सदर बाजार इलाके की इंदिरा कॉलोनी की, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम महिला वर्कर्स मौके पर पहुंची हुई है और किस तरह से जो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल के सदर बाजार इलाके की इंदिरा कॉलोनी की, जहां पर आप देख सकते हैं अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है बिल्कुल उसके सामने वाला घर है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं अंबेडकर जी की जो मूर्ति है बिल्कुल उसके सामने वाला घर इंदिरा कॉलोनी सदर बाजार इलाका, जहां पर तमाम डॉक्टर्स की टीमें, तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर हैं और पूरे इलाके की स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है, खासतौर पर दिल्ली की बात करें, दिल्ली से काफ़ी मामले सामने आए हैं, पहले भी इस तरह के जो मामले थे वो दिल्ली से देखे गए थे और आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं। बहरहाल अभी पता नहीं चल पाया कि वह शख्स यहीं का रहने वाला था और महिला ने बताया कि वह यहाँ भी आता था और दिल्ली भी रहता था कुछ समय, लेकिन लॉकडाउन से पहले यहाँ वह फंस गया था, दिल्ली में फंस गया था और कल वह जब आता है हॉस्पिटल में खुद चला जाता है, टेस्ट कराता है और जिसके बाद आज उसकी रिपोर्ट आई है जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। डॉक्टर्स की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। तो सदर बाजार का इलाका बताया जा रहा है, सदर बाजार इंदिरा कॉलोनी का इलाका है जो आस पड़ोस। आप बताएं सर, क्या मामला पता चला, कौन शख्स है, कहां का रहने वाला, कुछ पता चल पाया? ये दिल्ली से आए हैं जी, पता नहीं, हमें तो अभी पता लगा। रहते तो यहीं हैं, दिल्ली रह रहे हैं, मिलने आए, दिल्ली रहते हैं, मिलने आए थे यहाँ। अच्छा, यहाँ भी रहते थे पहले? हाँ। तो क्या मतलब कब आए थे दिल्ली से, कुछ पता चला? ये कल आए दिल्ली से, रात को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितनी उम्र है जी किसकी? मेरी, उनकी, इनकी उम्र 41 साल बता। हाँ, इतनी होगी, हाँ 40-42 साल की। तो आप देख सकते हैं आस पड़ोस के लोग हैं और किस तरह से इस इलाके को कैंटोनमेंट जोन जो है घोषित कर दिया गया है और इस इलाके को पूरे को सील कर दिया जाएगा। दिल्ली से ये आए थे और किस तरह से आप देख सकते हैं इस समय तमाम डॉक्टर्स की टीमें जो हैं, तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। करनाल के इंदिरा कॉलोनी इलाका अम्बेडकर चौक है, अम्बेडकर जी की प्रतिमा है यहाँ पर और आप देख सकते हैं सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के
अंबेडकर चौक की इंदिरा कॉलोनी सदर बाजार अंबेडकर चौक, जहां पर उनके सामने ही घर है और आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स की टीमें मौके पर हैं और किस तरह से सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है, सभी के टेस्ट लिए जा रहे हैं। और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से अपील करेगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से अपील करता है। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि अभी भी बाजारों में जाने से महिलाएं बच्चों के साथ जो है कहीं ना कहीं गुरेज नहीं कर रही है, वो सोचती हैं कि खतरा हट चुका है, खतरा टल चुका है। बुजुर्गों को बिल्कुल भी बाजार में ना भेजें, महिलाओं को बिल्कुल भी बाजार में ना भेजें। और लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से महिलाएं बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खरीदारी करने जा रही हैं। अगर आप ये सामान, अगर कोई घर का सामान जरूरी है तभी आप निकलें, अन्यथा आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी अगर बाजार में आप जाएंगे कहीं नुकसान इसका आपको ही भुगतना पड़ सकता है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि कोशिश कीजिए अभी भी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाया जाए, इस चीज़ का ध्यान आपने ही रखना है, अन्यथा जो परेशानी है वो आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता है कि इस चीज़ का ध्यान जरूर रखा जाए, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं करनाल में लगातार बढ़ रहे हैं और ट्रैवल हिस्ट्री के लोग, आपको नहीं पता कितने लोग आए हैं। हालांकि कई लोग तो समझदारी का परिचय देते हैं, आते ही टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं, उनको परेशानी आ सकती है। इसलिए आप सभी से अपील की जाती है इस चीज़ का ध्यान जरूर रखा जाए। करनाल के सदर बाजार इलाके की तस्वीरें देख सकते हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। इस समय आप तस्वीरें लाइव देख सकते हैं, पड़ोसी हैं वो भी, तीन बंदे दिल्ली से आए हैं, उनका टेस्ट भी हुआ है, उनका पता नहीं अब रिपोर्ट आनी है। कल टेस्ट कराया वो रात को आए हैं, तो उनको सवेरे भेजा है, उनका रात को ही ले गए। ये सर रहते थे यहाँ पे इनका? ना ना, ये अपना घर तो है, मगर ससुराल रहता था भैया, रहते वहाँ थे। हाँ, कभी कभार आते जाते, कभी कभी मदर को मिलने आए थे, मदर को मिलने के लिए आए थे। हाँ, तो उस चक्कर में नाम है सुनील, सुनील नाम है, उम्र हो अभी 38-39 का। काम क्या करते हैं ये? जूतों का काम करता था। तो आते खुद टेस्ट कराए इन्होंने? ये आए जब आने लग गया ना, इनके घर वालों को सबने कहा था कि पहले टेस्ट करवा देना घर में फिर बांधना, ठीक है। तो कल शाम को इनको वहीं ले गए थे हम सारे। कौन सा इलाका पड़ता है ये? सदर बाजार अंबेडकर चौक। इलाके को सील किया? पड़ोस में है हमारे दो। क्या नाम आपका? सुनील। तो ये आप देख सकते हैं आस पड़ोस के लोग हैं जो मौके पर पहुंचे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है, आसपास के इलाके के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इस समय जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम डॉक्टर्स की टीमें मौके पर मौजूद है, लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है, आसपास के लोगों का बयान लिया जा रहा है, पता लगाया जा सके कि कौन कौन लोग जो है उसके संपर्क में आए थे। बहरहाल जानकारी ये मिली है कि अभी तक कोई भी जो व्यक्ति है उसके संपर्क में नहीं आया था, क्योंकि वह आते ही जो है पहले टेस्ट कराने गया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं इस समय लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है, आसपास के लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय करनाल के सदर बाजार इंदिरा कॉलोनी से आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम डॉक्टर्स की टीमें मौके पर पहुंची हुई है और किस तरह से आसपास के इलाके की स्क्रीनिंग की जा रही है, उस पूरे इलाके को जो है कंटोनमेंट जोन में घोषित किया जाएगा। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि घर की महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को बाहर ना भेजें। अभी भी आप लोग बाज नहीं आ रहे हैं, घर की महिलाएँ हमने देखा लगातार बाजारों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बगैर जरूरत का सामान खरीदती हुई नजर आती हैं, कपड़े खरीदती हुई नजर आती हैं। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि आदमी तो चलो काम करने जा रहा है, अगर कोई कामकाज महिला है बेशक वो घर से बाहर जरूर निकले, लेकिन बगैर मतलब के बाहर निकलना अभी भी आप कोशिश कीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला बेहद गंभीर हो सकता है। 1,00,000 से पार आंकड़ा देश भर में जा चुका है। इसलिए आप सभी से अपील की जाती है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। जानकारी ये मिली है कि ये शख्स जो है दिल्ली में रहा करता था, कभी दिल्ली में रहता था, कभी यहाँ आता था ससुराल में, वहीं पर काम किया करता था, जूते का काम था। सदर बाजार इलाका इंदिरा कॉलोनी अम्बेडकर चौक की ये तस्वीरें, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना का मामला सामने आया है। और हमारी अपील आप सभी से है कि पल पल की अपडेट जानने के लिए हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अगर किसी ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पर जाकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए, उसको आप इंस्टॉल कीजिए, ताकि पल पल की अपडेट आपके पास पहुँचती रहे। तो इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें करनाल के इंदिरा कॉलोनी से दिखा रहे हैं, जहां करनाल में एक और कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो सामने आया है। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील भी यही रहेगी, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को, हम लोग बार बार जो एक ही मैसेज देते हुए आ रहे हैं उस बारे में जो है दोबारा से बता सके, इस बीमारी की गंभीरता के बारे में लोग समझ सकें और अपने घरों से बाहर ना निकलें। एक और पॉजिटिव केस, यानी कि अब टोटल 9 पॉजिटिव केसेज जो हैं वो करनाल में चल रहे हैं, कोरोना के पॉजिटिव केसेज। इस समय यहाँ पर लाइव तस्वीरें इंदिरा कॉलोनी से देख रहे हैं, एक और पॉजिटिव केस जिसका, हालांकि ट्रैवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो
दिल्ली से जो है इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और घर वालों का यही कहना है कि वो यहाँ पर बहुत कम आया करते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब उनका टेस्ट करवाया गया तो उनका जो है कोरोना पॉजिटिव आया। अब यहाँ पर आशा वर्कर्स की जो टीम है, डॉक्टर्स की जो टीम है, उनके द्वारा स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है। जैसा कि पूरा एक जो ये प्रोसेस रहता है, जब भी कोरोना पॉजिटिव कोई केस आता है तो आसपास रहने वाले लोगों की पहले स्क्रीनिंग की जाती है, टेम्परेचर उनका चेक किया जाता है, उनके फ़ोन नंबर्स, एड्रेस और डिटेल्स नोट की जाती हैं, और उसके बाद अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उन लोगों को हो तो उन्हें तुरंत बताने का जो है आदेश दिया जाता है, ताकि जल्द से जल्द जो है अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उस बारे में जो है लोग तुरंत डॉक्टर्स को बता सकें। और इस समय यहाँ पर लाइव तस्वीरें इंदिरा कॉलोनी से देख रहे हैं, अम्बेडकर चौक के, इंदिरा कॉलोनी के अंबेडकर चौक से लाइव तस्वीरें, जहां कोरोना का एक और पॉजिटिव केस आया है, और डॉक्टर्स की टीम हो, आशा वर्कर्स की टीम हो, मौके पर पहुंची हुई है ताकि स्क्रीनिंग जो है वो की जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इस समय लाइव तस्वीरें करनाल के सदर बाज़ार के इंदिरा कॉलोनी से आप लोग देख रहे हैं, और हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। 9 पॉजिटिव केसेज जो हैं वो इस समय करनाल में चल रहे हैं। टोटल केसेज की अगर हम बात करें, करनाल में 20 टोटल केसेज हैं, जिसमें से एक की डेथ हो गई थी, 9 अभी एक्टिव हैं और 10 जो हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, ठीक होकर जो हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालाँकि अगर हम लोग करनाल की बात करें, लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रशासन का, सरकार का साथ ज़रूर दिया, लेकिन अभी भी आप लोगों को साथ निभाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन 31 मई तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उस लॉकडाउन का पालन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अगर हम लोग मार्केट्स की बात करें, कहीं से भी देखकर ये नहीं लगता कि शहर में लॉकडाउन है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में रश देखने को मिलता है, लोगों की संख्या की अगर हम बात करें वो बढ़ती हुई देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई लॉकडाउन है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों को अभी भी लॉकडाउन का पालन करना है। अगर लॉकडाउन को 31 तक बढ़ाया गया है, 31 मई तक अगर लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा, तो हमें उसको समझते हुए जो है इस लॉकडाउन का पालन करना है। लॉकडाउन 4 जो है, हालाँकि छूट सरकार द्वारा काफ़ी ज़्यादा दी गई है, और अब दुकानें जो हैं वो भी 9 से 5 बजे तक खुलने वाली हैं, और ज़रूरी कार्य के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम बार बार आप लोगों से अपील करते आए हैं, ज़रूरी कार्य ना हो तो घरों से बाहर ना जाइए। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय करनाल के इंदिरा कॉलोनी से देख सकते हैं, करनाल में 9th पॉजिटिव केस जो कि एक्टिव है। वैसे अगर हम लोग टोटल केसेस की बात करें तो 20 है, लेकिन आज के इस केस को मिलाकर 9 इस समय एक्टिव कोरोना केसेस जो हैं वो करनाल शहर में हैं, और आप लोगों को अपना साथ देना है अपने घरों में रहकर, ताकि हम इस संख्या को बढ़ने से रोकें, इस संख्या को यहीं पर रोक सकें, ताकि आगे चलकर कोई ऐसे और पॉजिटिव केसेस ना आए। इस केस की अगर हम बात करें तो इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली से थी, और घर वालों का कहना है कि दिल्ली से यहाँ पर बहुत ही कम आया करते थे। अब इस घर को भी, जिस घर की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, इसे भी होम अंडर क्वारंटीन जो है कर दिया गया है। टोटल 22 मेंबर्स हैं, टोटल 22 यानी कि 22 मेंबर्स को जो है अंडर क्वारंटीन रहने को कहा गया है। घर में ही जो है वे लोग क्वारंटीन रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, और अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो तुरंत उन्हें कहा गया है कि वो डॉक्टर्स को इस बारे में जानकारी दें, और हालांकि इन सभी के भी टेस्ट ज़रूर किए जाएंगे, और साथ ही साथ आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है, टेम्परेचर उनका चेक किया जा रहा है, सिम्टम्स के बारे में उनसे पूछा जा रहा है कि कहीं किसी को सांस लेने में तो कोई तकलीफ नहीं है, कहीं किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है, ताकि अगर किसी को कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो उनका भी तुरंत जो है इलाज करवाया जा सके, तुरंत जो है उनका टेस्ट करवाया जा सके। इंदिरा कॉलोनी से आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और हमारी बार बार आप लोगों से ये अपील है, अपने घरों से बाहर ना निकलिए, इस लॉकडाउन का पालन कीजिए। अगर लॉकडाउन बढ़ाया गया है तो खुद सोच समझ कर सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, हमें उसका पालन करना है, हमें इस लॉकडाउन का पालन करना है। तो हमारी बार बार आप लोगों से यही अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों से बाहर ज़रूरी कार्य ना हो तो मत निकलिए। 9 पॉजिटिव केसेस इस समय करनाल में चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस 20 जो हैं हो चुके हैं, जिसमें से एक की हालांकि चंडीगढ़ PGI में मौत हो गई थी, उनके अलावा 19 केसेस जो हैं टोटल इस समय करनाल में से 10 केसेस ठीक होकर जो है 10 पेशेंट्स जो हैं वो ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं, और उनमें से 9 केसेस अभी भी पॉजिटिव हैं। और आज आप इंदिरा कॉलोनी से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, एक और पॉजिटिव केस जो आया है दिल्ली से, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, डॉक्टर की टीम मौके पर मौजूद हैं, और
आसपास के लोगों की जो है स्क्रीनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आप। एरिया को जो है कंटेनमेंट जोन में भी घोषित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि ना ही कोई इस एरिया से बाहर जा सकता है और ना ही कोई इस एरिया के अंदर आ सकता है। 14 से 28 दिनों के लिए जो है इस एरिया को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया जाएगा। और आप देख सकते हैं होम अंडर क्वारंटीन के जो स्टिकर्स हैं वो आसपास के घरों में लगाए जा रहे हैं, जहां जहां उनका कोई लिंक था या जिनसे वो मिले थे या जिनके थ्रू जो है उनका कॉन्टैक्ट था, ताकि सेफ्टी जो है वो बरकरार रखी जा सके सभी की, ना केवल उस परिवार की बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की भी, पड़ोसियों की भी सेफ्टी जो है बरकरार रखी जा सके। इसीलिए हेल्थ टीम जो है वो यहाँ पर स्क्रीनिंग करने के बाद, सबकी डिटेल्स नोट करने के बाद, अब होम अंडर क्वारंटीन का जो स्टिकर है वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमने लोगों से भी बातचीत की, कहीं ना कहीं लोगों में डर ज़रूर है कि किस तरीके से बीमारी जो है फैल रही है। और इस बीमारी की अगर हम बात करें, काफ़ी बार तो इसके सिम्टम्स का जो है पता भी नहीं लग पाता है कि सच में किसी को ये बीमारी है या नहीं, क्योंकि सिम्टम्स काफ़ी बार जो है दिखते नहीं है लोगों में। टीनेजर्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर टीनेजर्स जो हैं बहुत लेट उनको सिम्टम शो होंगे या शायद होंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है शायद वो स्ट्रांग है कि वो उससे लड़ पाते हैं। लेकिन इसीलिए हम लोग बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को घरों से बाहर इसलिए नहीं निकलना है क्योंकि आप लोगों को किसी भी शख्स को देखने से नहीं पता लगेगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है, या आप लोगों को उनकी किसी भी ऐसे हरकतों से नहीं पता लगेगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, इसका कोई भी एज सच पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसीलिए आप लोगों को प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि क्योर अगर अभी तक नहीं बन पाया है तो प्रिवेंशन जो है, प्रिकॉशंस जो है वो इससे बेहतर है। और अगर आप लोगों को प्रिवेंशंस लेनी है तो आप लोगों को अपने घरों पर रहना है, मास्क पहनकर रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ज़रूरी कार्य ना हो तो घरों से बाहर नहीं निकलना है। हमारी आप लोगों से केवल यही अपील है, इस लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप लोग इंदिरा कॉलोनी से देख रहे हैं, एक और कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो करनाल में आया है। और आसपास के लोगों की भी जो है अब स्क्रीनिंग की जा रही है, आसपास के लोगों को भी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि आसपास के जो लोग हैं उनके भी सिम्टम्स नोट किए जा सके अगर उन्हें किसी तरीके के कोई भी सिम्टम्स हैं। पुलिस के जो राइडर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हो रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर लोग करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। आप देख सकते हैं सदर बाज़ार के इंदिरा कॉलोनी की ये लाइव तस्वीरें। कोरोना का एक और पॉजिटिव केस जो है वो करनाल में आया है। टोटल नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस इस समय करनाल में 9 हैं और 10 जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। हालांकि अगर आप लोग पेशेंस रखें, हिम्मत रखें, तो इस बीमारी बस डरने की ज़रूरत नहीं है, मजबूत होकर, स्ट्रांग होकर इससे लड़ने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आपकी लोकेलिटी में किसी का भी कोरोना पॉजिटिव आता है या कोई अगर संदिग्ध भी है, तो आप लोग उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, बुरा व्यवहार ना करें। आप लोगों को साथ देना है, उन्हें समझाना है, प्यार से उनके साथ डील करना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, उनसे दूर रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उनके साथ बदतमीज़ी करें, उनके साथ रूडली बिहेव करें, जो कि सरासर गलत है। आप लोगों को शायद ये चीज़ समझनी होगी कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी परिवार में हो सकता है। तो हम लोगों को दुर्व्यवहार नहीं करना है, प्यार से लोगों के साथ डील करना है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन उनके परिवार वालों को भी सहानुभूति ज़रूर देनी है, समझाना ज़रूर है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जितने कोरोना केसेस सामने आए हैं उनमें से कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जो पेशेंट्स हैं या उनके जो घर वाले हैं वो घबरा ज़रूर जाते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था, 2-3 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया और घबराने की वजह से ही जो है कल्पना चावला राजकीय अस्पताल से वो जो है एक 6ठी मंजिल से कूद गया, एक 4थी मंजिल से कूद गया, और जबकि उनकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई। तो ये डर जो लोगों के अंदर है, ये डर कहीं ना कहीं दूर करने की ज़रूरत है। लोगों को डरना नहीं है, समझना है, और साथ ही साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें भी ज़रूर समझना है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको रामनगर की पहले लाइव तस्वीरों में दिखाया था, किस तरीके से एक शख्स के पॉजिटिव आने के बाद जब उनके परिजनों का रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी, उसके बावजूद जो गली के लोग थे उन्होंने उन्हें घर में घुसने से मना कर दिया। तो इस तरीके का व्यवहार भी जो है लोगों को नहीं करना है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप लोगों को समझना होगा इसमें। आप इस समय लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, SDM जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं,
आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए, परिवार के लोगों से बातचीत करने के लिए। और लाइव तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं करनाल पुलिस की जो टीम है, SDM जो है, वो इस समय मौके पर मौजूद हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, साथ ही साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक मैसेज भी पहुँचाया जा सके कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और लॉकडाउन का पालन करना है। इसमें लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल के इंदिरा कॉलोनी से देख रहे हैं। एक और कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो यहाँ पर सामने आया है। SDM मौके पर मौजूद हैं, खुद लोगों से बातचीत करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम जो है पर मौके पर मौजूद है, वो भी जो है लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रही है, लोगों से पूछते हुए नजर आ रहे हैं, परिवार के लोग हों, आस पड़ोस के लोग हों। स्क्रीनिंग सभी की जा रही है ताकि सभी के जो है सिम्टम्स का ध्यान रखा जा सके। और उसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस की टीम, हालांकि अब जब मौके पर पहुंची तो उसके बाद SDM जो है वो भी मौके पर मौजूद है। तो हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरें करनाल के सदर बाजार के इंदिरा कॉलोनी से दिखाई। करनाल में एक और कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो सामने आया है। अब अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस की बात करें तो वो 9 है। और एक बार फिर से हमारी आप लोगों से अपील यही है कि आप लोग अपने अपने घरों पर ही रहिए। अगर कोई जरूरी कार्य नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलिए। अगर किसी कारणवश घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए ताकि हम लोग एक साथ मिलकर जो है इस लड़ाई से लड़ सकें। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।